हेलो स्टूडेंट्स आव आई यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम्स सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर सेक्शन नंबर बी तो हम मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपका सेक्शन नंबर बी होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम पहले रिविज़न कर चुके हैं द वे ऑफ क्विज ठीक है आपने क्विज़ दिया ही होगा सो अगेन लेट्स रिवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ़ चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर वन टू फोर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे हमारी बुक में नहीं है बट हम अगर बुक रीडिंग करते हैं तो हमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सो so, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप अच्छे से बुक को रीड करिएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हेल्प इन केस ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट के केस में जो फर्स्ट हेल्प मिलती है क्या होती है इट इज़ सेफ्टी एड नो इट इज़ फर्स्ट एड सो डी वन इज़ करेक्ट वी शुड नॉट टच द ब्लिस हमें ब्लिस को क्या नहीं करना चाहिए टच नहीं करना चाहिए अइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए या हमें प्रिक नहीं करना चाहिए उसको क्या नहीं करना चाहिए प्रिक नहीं करना चाहिए इफ़ अ बोन क्रैक और ब्रेक अगर कोई बोन क्रेक या ब्रेक हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं वी कॉल इट अ रपच्चर ब्लीड बर्न या फ्रैक्चर हाँ वी कॉल इट अ फ्रैक्चर वी शुड अप्लाई डैश ऑन ऑ स्नैक बाइट स्नैक बाइट पर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए टर्निक्वेट ऑइनमेंट विनेगर या आइस तो टर्निक्वेट अप्लाई करना चाहिए हमें वी शुड अप्लाई डैश वाटर ऑन बर्न पार्ट अगर किसी को बर्न हो गया है तो हमें कैसा पानी लगाना चाहिए हॉट वाटर कोल्ड वाटर बॉयल्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर तो हमें उस पे कोल्ड वाटर अप्लाई करना चाहिए नेक्स्ट वन विच गैस सपोर्ट्स बर्निंग इनमें से कौन सी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है जिसकी बिना बर्निंग नहीं हो सकती तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग डिश गैस इज एडेड इन बल्ब बल्ब में कौन सी गैस एड की जाती है येस इट इज आर्गोन है ना आर्गोन इज एडेड इन द बल्ब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर एटमोसफियर की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है इट इज़ आइनोसफियर मिजोसफियर या एटमोसफियर इट इज एग्जोस्फियर द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ अर्थ की जो लेयर है एयर एयर की जो लेयर है अर्थ के अराउंड दट इज मिजोस्फियर एयरोसफियर या एटमोसफियर इट इज डी वन इट इज एटमोसफियर एयर पॉल्यूशन कॉजेज एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है राइज इन टेम्परेचर हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल यह सारी चीज़ें हो सकती है ऑल ऑफ़ द अबाउ तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ नाउ नेक्स्ट चैप्टर अबाउट दस परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर अर्थ का कितना हिस्सा वाटर से कवर्ड है सिक्सटी टू परसेंट नाइनटी फोर परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट या फोर्टी परसेंट इट इज सेवेंटी फाइव परसेंट द टर्म यूज फॉर वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग जो पानी हम पी सकते हैं उसके लिए हमने एक टर्म है क्या कह सकते हैं हम उसको ड्रिंकेबल वाटर डिस्टिल्ड वाटर पोटेबल वाटर या नॉर्मल वाटर इट इज पोटेबल वाटर है ना जो पानी हम पी सकते हैं जो पानी हम ड्रिंक कर सकते हैं डेट इज पोर्टेबल वाटर द वाटर यूज इन लेबोरेटरीज लेबोरेटरीज या मेडिसिन uh, के पर्पज से कोई वाटर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा वाटर है फ्रेश वाटर सी वाटर लैक वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर है ना डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको प्योर किया जाता है फिर यूज़ किया जाता है द सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर वो सब्सटेंसेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो सकते हैं तो सॉल्यूबल इन इम्प्योरिटी या प्योर सब्सटेंस दे आर सोल्यूबल सब्सटेंस वाटर क्या है वाटर सॉल्यूट है सॉल्वेंट है इम्प्योरिटी है या इनमें से कुछ भी नहीं है तो वाटर इज अ सॉल्वेंट है ना जिसमें कोई चीज़ें डिजोल्व हो सके तो उसे क्या कहा जाता है सॉल्वेंट कहा जाता है तो वाटर में तो चीज़ें डिजोल्व हो सकती हैं इसीलिए वाटर इज अ सॉल्वेंट नेक्स्ट चैप्टर द सेटेलाइट ऑफ द अर्थ तो विच इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ ए सन बी मून सी उर्सा मेजर डी ऑल ऑफ द अबाउ कौन सी है सन है मून है उर्सा मेजर है या सारे ही सैटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट है नहीं इट इज मून सन तो स्टार है और उर्सा मेजर आर्टिफिशियल सेटेलाइट है मून्स ग्रेविटी इज डैश ऑफ अर्थ मून की ग्रेविटी अर्थ से कितने पार्ट है हाफ वन सिक्स वन थर्ड या वन फोर्थ इट इज वन सिक्स कितने पार्ट है वन सिक्स जो हमारा वेट है उसे हम सिक्स से, से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेट उतना मून पे होगा जो अर्थ ग्रेविटी इज वन सिक्स ऑफ अर्थ कास्टिंग ऑफ शेडो इज नॉन एज जब शेडो कास्ट होता है इट इज नॉन एज इक्लिप्स क्या कहा जाता है उसे इक्लिप्स द डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द मून मून के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं दूर से इट इज़ बेटर क्रेटर मैटर या होल्स दे आर क्रेटर्स डे सेटेलाइट्स आर यूज फॉर वेदर कार्ड फोरकास्ट वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा सेटेलाइट यूज की जाती है ए मून बी कम्युनिकेशन सेटेलाइट सी स्पेस सेटेलाइट या वैदर सेटेलाइट तो वेदर सेटेलाइट्स यूज की जाती है अब आप इसके आंसर्स में जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे तब आप क्वेश्चन डाल के ए बी सी या डी ऑप्शन लिख के और आंसर लिख देना ठीक है ऑप्शन सारे उतारने की जरूरत नहीं है जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मेंशन कर सकते हो और लास्ट uh, वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा और जो लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी वो आपका एक्टिविटी सेक्शन रहेगा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको आपकी बुक में से उसे आपको चार्ट पे प्रिपेयर करना है उस एक्टिविटी को आपको चार्ट पे प्रिपेयर करना है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा सो so, आपको बुक की सारी एक्टिविटीज प्रिपेयर करनी है और अगर आपको और कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग